लिया, या फिर इस बात का गम है कि दोस्त जाकर दुश्मन की गोद में बैठ गया? ऐसा है, हमें तो बेवफाई का गम है, हम बावफा थे ये बेवफा निकले, लेकिन छोड़िए, जो हो गया वो हो गया। मैं तो ये जानना चाहता हूं कि ये विडंबना नहीं है क्या कि जो अपने को धर्म निरपेक्ष कहते हैं वो जात की और धर्म की राजनीति कर रहे हैं, और हमें ये जो जिनको ये सांप्रदायिक कहते हैं हम विकास की राजनीति कर रहे हैं, ये भी कमाल की चीज है। अब चालू करते हैं, हम तो धर्म, हम तो सांप्रदायिक हैं, कांग्रेस धर्म निरपेक्ष है, भी उनका इन्होंने सहयोग लिया। 5000 सिख दिल्ली में मरवा दिए जाएं, वो धर्म निरपेक्षता है, कोई बात नहीं, मैं मानता हूं। MIM से आप, जो कि मुस्लिम समुदाय से संबंधित पार्टी है, उससे आप आंध्र में समझौता करते हैं और वो धर्म निरपेक्ष है, मैं मानता हूं। केरला कांग्रेस से आप समझौता करके सरकार में उनके साथ बैठे हुए हैं केरल के अंदर, जो कि क्रिश्चियन पार्टी है, ये धर्म निरपेक्षता है, मैं मानता हूं। AUDF आसाम में धर्म निरपेक्ष है, वो मैं मानता हूं। तो अगर इनकी धर्म निरपेक्षता की ये परिभाषा है तो हम तो भैया सांप्रदायिक ही भले। आप सांप्रदायिक ही भले, सुधांशु मित्तल जी ने बहुत अहम बात यहाँ पर बोली है। अगर ये परिभाषा है ना, पूरा समझ लीजिए। अच्छा, अगर धर्म निरपेक्षता की ये परिभाषा है, और दूसरा बिहार की राजनीति के अंदर आप कांग्रेस का दामन थाम के जाए तो कोई गम नहीं है। कम से कम साफ तो बात करिए, कल क्या होगा, कल की क्या संभावना, ये कुछ नहीं है। अगर आप लोगों ने बयान सुना होगा इनका, बेनी प्रसाद वर्मा जी का, तो इससे पहले कि इन्होंने समझौता तोड़ा था, उन्होंने तो तभी कह दिया था कि हमसे बात हो चुकी है, और हमसे बात होने के बाद ही तो ये करा जा रहा है। इसके बाद का किसी ने खंडन नहीं करा, कोई झुटला नहीं पाया। तो ये जो दिखाने के दांत और है और खाने के दांत और है, ये अब तो सामने दोहरा चरित्र निकल के आ रहा है। मुझे इससे कोई गिला नहीं है, कम से कम समय पे सारी चीजें साफ हो गई, जो गुमराह करने की या भ्रमित करने की चीजें हो रही थी, अब दुनिया के सामने साफ है। हमारा एजेंडा विकास, इनका एजेंडा धर्म निरपेक्षता, जिसको कहते ना, मतलब सांप्रदायिकता, जातिवाद, ये इनका एजेंडा। अब देश के सामने आएंगी चीजें, लड़ेंगे ना उससे, क्या बात है। ठीक है, मैं राजनीति प्रसाद जी के पास आऊंगी। धर्मनिरपेक्षता के ऊपर आज जिस तरह का समीकरण, एक नया फ्रंट फॉर्म होता हुआ नजर आया, उस पर मैं आऊंगी। लेकिन देवेश जी, सीधे सीधे आरोप सुधांशु जी ने यही लगाया है अभी कि दोहरा चरित्र आपका सामने आ रहा है। जब पहली बार बयान आया था शरद यादव जी ने, जब थोड़े से नरम नजर आ रहे थे, तो उन्होंने संकेत देने की कोशिश की थी अगर अडवाणी जी को आगे करेंगे फिर कोई संभावनाएं हो सकती हैं। फिर इस तरह की बात आई कि आप इक्विडिस्टेंट दो नाव पे सवार हैं, आप पूरी तरह से कांग्रेस के दोस्त उनके साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं, बल्कि कांग्रेस आपके साथ खड़ी हुई नजर आ रही है। तो दोहरे चरित्र का आपके ऊपर सुधांशु जी ने आरोप लगाया है। देखिए, हम सरकार में हैं और भारतीय जनता पार्टी या NDA से हम अभी अलग हुए हैं। जो आदरणीय सुधांशु जी ने कहा है, मैं उस पर बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने लगे तो कोई किसी की सीमा नहीं रहेगी, ना मेरे खजाने में आरोपों की कमी है, ना उनके तरफ से कोई कमी होगी। इस बात को छोड़ दें, मैंने आपको बताया इसके आगे की जो भी समीकरण है ये आगे भविष्य ही बताएगा। अभी तक आज का जो मामला था, हमको विश्वास मत हासिल करना था, हम आज बिल्कुल अच्छी तरह से हम उसमें से निकल आए हैं और आगे हम देखेंगे आगे की राजनीति किस दिशा में जाती है। जी, चलिए अब हम इस पर आएंगे। राजनीति प्रसाद जी, आपसे ये जानना चाहूंगी मैं, धर्म निरपेक्षता को एक ताकत बताते हुए, एक फ्रंट की तरह आज कांग्रेस ने, जो आपके बहुत पुराने दोस्त हैं, बाकायदा समर्थन दिया JDU को। पहले एब्सटेन करने की बात थी, लेकिन खुलकर समर्थन में उतर आए, सरकार बचा ली। अब एक बात बताइए कि आप उसके खिलाफ वोट करते हुए नजर आए, तो आपका भी दोस्त एक चला गया यहाँ पर आपसे दूर? देखिए, अभी इस बात पे बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं हो सकती, क्योंकि एक सामयिक मामला था। अभी कांग्रेस ने एक सामयिक मामला को हल किया है और कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं मानना चाहिए कि कांग्रेस सदा के लिए हम लोगों से चली गई। एक सामयिक मामला था, उसको लगा कि सांप्रदायिक ढंग सांप्रदायिक पार्टी से अलग हट गया है तो उसने वोट कर दिया, ऐसा नहीं है।
ये परमानेंट वो चीज नहीं हो सकता है। और ये मैं कहना चाहूंगा कि नीतीश कुमार की सरकार किसी माने में, और नीतीश कुमार खुद किसी माने में, जब वो दोहरा चरित्र है उनका कि अडवाणी को बनाओ तो हम मानेंगे, उनको बनाओ तो हम मानेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि वो अभी भी बीजेपी के पलरा में जा सकते हैं। इसलिए अभी ये कहना कि कांग्रेस ने साथ दे दिया, कांग्रेस ने उनको वोट कर दिया, ऐसा अभी हम लोग ऐसा नहीं कह सकते हैं कि अभी ये फाइनल डिसीजन कांग्रेस का है। मतलब फाइनल डिसीजन कांग्रेस का नहीं है, आप कांग्रेस के साथ जरूर है भले ही कांग्रेस आपके साथ ना हो। राजनीति जी, नहीं, अभी तो हम लोग यूपीए में साथ हैं उनके, अभी हम लोग साथ हैं, एक सामयिक घटना घटी है उसमें उन्होंने साथ दिया है, इतनी बात है और कोई बात नहीं है। चलिए ज्यादा कुछ रीड नहीं कर रहे हैं, मैं शेष नारायण जी के पास आऊंगी। सुधांशु जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर शेष नारायण जी के पास। जी देखिए, इस स्थिति में मुझे वाकई बड़ा आश्चर्य और तरस भी आता है कि लोजपा और आरजेडी ये दोनों की क्या स्थिति रहने वाली है। ये बेगानी वो कहते हैं पराई दीवानी में अब्दुल्ला दीवाना होता है ना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो गई, बेगानी शादी में अब्दुल्ला, हाँ बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। यूपीए इनसे समर्थन मांग नहीं रहा, ये जबरदस्ती समर्थन दे रहे हैं। यूपीए ने तो कहा नहीं कि आप हमारे साथ आइए, क्योंकि अगर यूपीए में होते तो अभी तक तो इनमें सब जन मंत्री मंत्री बन गए होते, लेकिन यूपीए ने इनसे समर्थन नहीं मांगा। नंबर गेम है ना, उनके पास 4 सांसद हैं, जेडीयू के पास 20 हैं, तो कांग्रेस किसका समर्थन लेना चाहेगी यूपीए में? मैं वही कह रहा हूँ, तो आज तक इनकी आस का ये केंद्र था कि भाई शायद कभी यूपीए की तरफ से हमारे पास भी एक वो निमंत्रण आ जाएगा और हम भी कहीं चले जाएंगे। लेकिन अब जेडीयू आने के बाद तो इनकी सारी आस्थाएं जो है, या आस का जो केंद्र था वो तो बिल्कुल ही ध्वस्त हो गया। तो इनकी स्थिति तो इतनी दयनीय हो गई है कि अब तो किसको ये सांप्रदायिक कहेंगे और किसको जो है ये धर्मनिरपेक्ष कहेंगे। आज तक जो थे वो कांग्रेस सांप्रदायिक नहीं थी, धर्मनिरपेक्ष थी। आज तक जेडीयू सांप्रदायिक थी क्योंकि वो हमारे साथ थी। अब जेडीयू और कांग्रेस साथ हो रही है, उसको अब ये क्या कहेंगे, सांप्रदायिक कहेंगे या धर्मनिरपेक्ष कहेंगे, ये अब देखने वाली बात है। तो ये जो पोटपुरी हुई हुई है वहां पे बिहार की, इसका जो परिदृश्य है वो इतना हास्यप्रद होने वाला है, क्योंकि इन सारी राजनीतिक संगठनों ने अपनी नैतिकता को तिलांजलि दे दी है। चलिए बिल्कुल सही टाइम पर मीम अफजल जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ गए हैं। बिल्कुल आपने इतने आरोप लगाए, बिल्कुल सही टाइमिंग है सर मीम अफजल जी आपकी जुड़ने की हमारे साथ। आपसे सबसे पहले जानना चाहूंगी, आपने तो बड़ा खेल कर दिया, कल तक ये बात थी कि एब्सटेन करेंगे कांग्रेस के विधायक, आज तो खुलेआम समर्थन में हम साथ साथ हैं वहां पर सपोर्ट कर दिया, तो आपने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, आगे एक नया समीकरण बनता हुआ तो नजर आ रहा है ना? देखिए, हमने कल ऐसी कोई बात नहीं कही थी कि हम एब्सटेन करेंगे जैसा कि आप कह रही हैं, और आज हमने जो फैसला लिया उसका फैसला इसलिए लिया जो आप लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। सर अशोक चौधरी जी के हवाले से एक खबर आई थी, नहीं हो पा रहा था, अशोक चौधरी जी के हवाले से ही एक खबर आई थी, सूत्रों के हवाले से लगातार दिन भर हम चला रहे थे, बाकायदा हमारे रिपोर्टर्स की बात हो रही थी, ये बात साफ हो चुकी थी कि एब्सटेन करेंगे, लेकिन आज तो बिल्कुल खुलेआम समर्थन दिया ना। देखिए, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूँ और पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको ये बात कह रहा हूँ जी कि ऐसा कुछ नहीं था कि हम एब्सटेन करेंगे या हम वोट करेंगे या नहीं करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं था। ये रात में सब चीज़ का जाहिर है कि मशवरा हुआ और उसके बाद ये फैसला लिया गया, और जैसा कि यहाँ कहा गया है कि हमने इसको सरकार को बचाने का फैसला इसलिए किया है कि ये हम चाहते हैं कि एक जो सांप्रदायिकता का जो माहौल है वो ना बढ़े। दूसरी और अहम बात है मैं कहना चाहता हूँ जी कि इसको सिर्फ ये ना समझा जाए कि सांप्रदायिकता का माहौल। देखिए, बिहार के अंदर कल जो कुछ हुआ, बीजेपी ने बंद किया, काफी वहां झगड़ा भी हुआ, हमको ऐसा लगता था कि बिहार के अंदर अवाम को इसका नुकसान पहुंचेगा अगर सरकार नहीं रहेगी तो, और हम ये चाहते हैं बुनियादी तौर पर कह चुके थे कि दोबारा चुनाव भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की लड़ाई में, भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की लड़ाई के अंदर बिहार के अवाम का नुकसान ना हो,
अवाम को क्षति ना पहुंचे, एक सरकार रहेगी और सरकार अगर वो रहेगी चलेगी तो जाहिर है कि इस किस्म की जो बिहार को नुकसान होने का अंदेशा है उससे लोग बचे रहेंगे। नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं मीम अफजल साहब कि ये रात में मशवरा हुआ, लेकिन डोरे तो पहले से ही कांग्रेस डाल रही थी, इतने दिन पहले ही लगातार, चाहे वो स्पेशल पैकेज बिहार के लिए हो, एक स्पेशल कमिटी का गठन हो स्पेशल स्टेटस के लिए हो, चिदंबरम साहब नजर आते हैं नीतीश कुमार साहब के साथ तमाम फोटो ऑप्स में, उनको ड्रॉप करने नीतीश जा रहे हैं वहां पर, बहुत सारी इस तरह की खबरें आ रही थी और उसके ऊपर से पीएम ने भी कह दिया कि बहुत सेकुलर है नीतीश, तो संदेश तो साफ था ना कि समर्थन आप देने जा रहे हैं। अब ये बताइए कि साथ साथ और भी ज्यादा नजर आएंगे, वो भी आपको मानसून सत्र में समर्थन देंगे, फूड सिक्योरिटी बिल जहां अटका है। पीएम का संदेश बिल्कुल साफ था, पीएम का संदेश और उनका नजरिया बिल्कुल साफ था, ये बात सही है बिल्कुल। लेकिन जाहिर है कि जब सपोर्ट देने की बात आती है तो जो मैं कह रहा हूँ वो बात भी अपनी जगह पर सही है कि हम सारी परिस्थितियों का जायजा ले रहे थे, हम ये देख रहे थे कि बिहार किस तरफ जा रहा है। मैंने बार बार टीवी चैनल्स पर कहा है, आपके चैनल्स पर भी कह रहा हूं, पहले भी कहा था कि बिहार की आने वाले वक्त में जो राजनीति होगी उसके अंदर कांग्रेस की भूमिका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी और कांग्रेस इसमें एक बहुत पॉजिटिव और इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी। अच्छा, पॉजिटिव रोल चार विधायक के साथ अदा करेंगे। शेष नारायण जी, आपसे ये जानना चाहूंगी मैं कि जिस तरह से अब ये नया समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है, हालांकि दोनों ऑफिशियली औपचारिक तौर पर कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको लगता है जहां तक उसूल की बात आती है, जहां तक रिश्तों, कितने ही पुराने रिश्ते हों, जिस तरह से बीजेपी और जेडीयू का 17 साल पुराना रिश्ता था यहाँ पर तलाक हो गया, कहीं ना कहीं अब सिर्फ मतलब की राजनीति रह गई है, क्योंकि अकेला समाजवादी अगर किसी को माना जा सकता था जो ताल ठोक कर ये कहता था, आज वो भी कांग्रेस के आंधी में उसके साथ ही बह गया। नहीं नहीं, वो अब ये लोग नेता लोग हैं, इनकी बातों को अब इनके पर्सपेक्टिव में कहेंगे और किसी भी बात को किसी भी तरह से कहने के ये लोग आचार्य हैं, तो उस पर मेरा ख्याल है हम लोग न करें। बस एक बात इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार, मोहन प्रकाश, ये तीनों लोग 40 साल पहले घनिष्ठ मित्र थे और 1989 में ये सारे लोग इकट्ठा थे के कांग्रेस सरकार में नहीं आने पाए, कांग्रेस को सरकार से बाहर रखने के लिए इन लोगों ने सब ने इकट्ठा हो गए थे ये, और आज ये लोग बीजेपी को सरकार से बाहर रखने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं, ये है इसका सारा तत्व। तो उसके लिए कब क्या शब्दावली प्रयोग होगी, उसके लिए एक लालू प्रसाद जी की ये घटना, लालू प्रसाद जी को जब देवेगौड़ा साहब ने पार्टी से निकाल दिया तो काफ़ी निंदा की उन्होंने, उल्टा सीधा बोले, और एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर एकता हो गई, देवेगौड़ा के साथ बैठे थे तो हम लोगों ने पूछा कि साहब आप तो इनको बहुत खिलाफ बोलते थे, तो लालू प्रसाद, अब कठिन सवाल था, आप क्या बोलते, देवेगौड़ा की तारीफ कर रहे थे, तो उन्होंने कहा भैया जब इन्होंने हमको पार्टी से निकाला था तो हम इनकी आरती उतारते। तो आज भी वही है कि आज जो है बीजेपी अलग थलग पड़ गई है और कांग्रेस की खेल में, या वो जो कहने कांग्रेस के झांसे में आ गई, तो ठीक है भाई, राजनीति में आप जब सत्ता की राजनीति कर रहे हैं, इसमें तो किसी को कोई मुगालता है नहीं कि इनमें से कोई भी पीपुल्स पॉलिटिक्स में है, सत्ता की राजनीति में जब संख्या महत्वपूर्ण है तो संख्या के खेल में कांग्रेस ने फिलहाल इस राउंड में बीजेपी को पटकनी दे दी है और उनकी समझ में आ ही नहीं रहा कि करें क्या, मैंने आज तक समझ में सुधांशु जी आ नहीं रहा है करे क्या। उधर प्रधानमंत्री कह रहे हैं नो परमानेंट एनिमीज नो परमानेंट फ्रेंड्स, उधर नीतीश कह रहे हैं कि राजनीति में बदलते देर नहीं लगती, तो दोनों ने संकेत दे दिया, आप क्या करेंगे सुधांशु जी? आप ही, मैं यही आपसे बार जी मैं बार बार यही कहना चाह रहा हूँ कि जामा ना पहनाइए सांप्रदायिकता का, धर्मनिरपेक्षता का, ये सब शब्दों को फिर अब्यूज ना करिए, मिसयूज ना करिए, कहिए ये राजनीति है, इसमें नंबर का गेम है, हमारी नंबर की जो है मजबूरियां है और इससे हम समर्थन कर रहे हैं, हमें सत्ता की राजनीति करनी है। आप जो है ये शब्द जो है सांप्रदायिकता, धर्मनिरपेक्षता, इसको इतनी बार, इतना भद्दा आपने इसका मिसयूज करा है कि इसे घृणा आने लगती है।
अरे कुछ ईमानदारी कही, लोगों की आंखों में धूल ना झोंकिए। अच्छा जी, चार सीट लेके कांग्रेस 224 के हाउस में चार सीट लेके कांग्रेस क्या बड़ी बड़ी बातें कर रही है? अभी तक किसी ने इस बात का चार लाइफलाइन देने के लिए बहुत अहम थी सरकार को आज मेरे बेनी प्रसाद चार सीट में ही आपको कहा ना, अभी प्रसाद वर्मा जी की बात जो एंकर है उन्होंने कहा चार सीट में ही आपको पसली दे दी है, खंडन करा किसी ने नहीं, वो चार सीट बहुत अहम थी लाइफलाइन एक्सटेंड करने के लिए नीतीश सरकार को किसी ने खंडन नहीं करा। और जहां तक और देखिए जहां तक कांग्रेस का सवाल है, ये चार समर्थन देते या नहीं देते, सरकार तो वैसे ही नहीं गिनने वाली थी, हमने पहले कह रखा था, तो सरकार गिरनी है ना गिरने में इसमें तो कोई विषय ही नहीं था। असली है कि क्योंकि जनता दल यू का इनको समर्थन लोकसभा के लिए चाहिए, जहां की इनकी इनकी नैया जो है सापा बसपा के हाथ में, उनमें से कोई विड्रॉ करेगा तो गिर जाती, तो इसलिए उनके पास एक बफर आ गया, यहाँ हम तुम्हें देंगे तुम वहां में देना। अरे कोई बात नहीं, देवेश जी गिला नहीं है, देवेश जी यहाँ पर यही है, बातचीत ईमानदारी से करिए। देवेश जी ईमानदारी नहीं है, अपॉर्चुनिज्म का आपके ऊपर पहले ही आरोप लगा चुकी है बीजेपी, साफ तौर पर कह रही है कि यू स्क्रैच माय बैक आई स्क्रैच योर्स, यहां पर आपको समर्थन मिला है केंद्र में, आप मानसून सत्र सर पे है, आप बाकी का समर्थन कांग्रेस को यूपीए को देंगे, इस पर सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता जैसे शब्दों के इस्तेमाल की गुंजाइश नहीं है। सारा जो है संभावना है, हमको क्या शब्द बताना है, हमको अपने राजनीति में क्या शब्द का इस्तेमाल करना है क्या नहीं करना है, हमको किसी भारतीय जनता पार्टी से सीखने की जरूरत नहीं है। उनको जो अपना शब्द इस्तेमाल करना है करे, हमको जो अपना शब्द इस्तेमाल करना है हम करेंगे, और इससे कोई अगर ये इतना खराब लगता है तो आपने खुद कहा कि हाँ ठीक है, अगर इसी यही धर्मनिरपेक्षता है। नहीं नहीं, आप सवाल कैसे, आप हमारे सामने आप हमारे प्रतियोगी हैं तो हम आपको बकश कैसे दे देंगे, आपको क्या सत्ता दे दे थाली में रख के, क्या चांदी की थाली, बिल्कुल ना करिए, कमाल है आपका, आप सहयोगी थे, प्रतियोगी हैं आप, इससे इससे पहले भी आप कॉम्पिटिटर हैं तो क्या हम आपको जो है एकदम लेके इसके गलत फहमी में मत रहिए, इतनी आसान से नहीं राजनीति होती है और जिंदगी चलती है, सियासत इतना आराम से नहीं चलती, आप इतना निश्चित इतना मत घबराइए किसी के कुछ कहने पर, इतना मत नर्वस होइए। मुझे बहुत अच्छा लगा कि कम से कम आप ईमानदारी में ये कह रहे हैं, सुधांशु जी सियासत ऐसे नहीं चलती है, उन्होंने कह दिया आपके मशवरे की जरूरत नहीं है, आप प्रतियोगी हैं, आप हमारी निमामा ने कहीं कोई कमी नहीं है, आप प्रतियोगी हैं, यहाँ पर देवेश जी ने कह दिया वो करेंगे। हेलो, मुझे तो बहुत खुशी है कि ईमानदारी से कहिए आप हमारे प्रत्याशी हैं, आप हमारे प्रतिद्वंदी हैं, हम आपको हर इल्जाम लगाएंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जो है नाटक ना करिए, हमें बेवफा ना कहिए, अरे नाटक कौन कर रहा है, पूरी देश देख रही है सुधांशु जी कौन नाटक कर रहा है, पूरा नाटक अभी हुआ था नाटक, उसके बाद का भी नाटक, सब कुछ लोगों ने देख लिया, कोई राजा नहीं, 13 दिसंबर 2003 के बाद देश ने देख लिया कि नीतीश कुमार जी का चेहरा क्या है, 13 दिसंबर 2003 के बाद किसी को भ्रम नहीं पड़ा बचा, बिल्कुल बिल्कुल, नीतीश कुमार जी वहां क्या कर रहे थे सत्ता की लालच में, और उसके बाद कैसे बदल रहे हैं, तो सुनिए ईमानदारी से कहिए, कहिए हमारी राहें अलग है सुधांशु जी, हम बेवफा हो ना तुम बेवफा हो, मगर क्या करें हमारी राहें अलग है। नहीं नहीं, हमारी राहें सियासत की है, इसमें बेवफाई आपने भी किया है, आप भी करेंगे, हर सियासत पार्टी करती है, मेरी बात सुन लीजिए, आप जो हर सियासत पार्टी करती है, यहां पर बेवफाई और उनकी बात कर रहे हैं, इसकी आपने करी, हमने नहीं करी। अब सुधांशु जी, अगर आप हमको बात नहीं करने देना चाहते हैं तो मैं भी वही काम आपके साथ कर सकता हूँ, आप बोलिए तो मैं चुप रहता हूँ, मेरी बात सुनिए जी, देवेश जी बोलिए, अगर आप अपने आप को प्रबुद्ध समझते हैं तो जरा अपनी बात बोलिए, हमें भी बोलने दीजिए, और नहीं तो अगर यही करते रहना है तो फिर जनता को बेवकूफी बनाना है टीवी पर आके, तो कमाल है, आप बोलते रहिए, आप अपने अकेले कोई दिक्कत नहीं है, देवेश जी बोलिए, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। 2003 की जो, हाँ हाँ मैं वही बात बता रहा हूँ, 2003 की जो बात कर रहे हैं आदरणीय सुधांशु जी, इसकी किसने डिनाई किया है, उसके अलावा भी और आपके पास कोई क्लिप है और सीडी है, वीडियो सारा चीज दिखा दीजिए, जब राजनीति के सफर में हम सफर साथ रहता है तो स्वाभाविक रूप से
उसकी तारीफ की जाती है, खुले दिल से खुले मन से किया जाता है, ये कौन सी नई बात आप बता रहे हैं? आप मुझे बताइए, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आज सोनिया गांधी जी के सरकार में, कांग्रेस के सरकार में वहां बैठी हुई है। आप याद कीजिए, विदेशी मूल के मुद्दे पर आदरणीय शरद पवार कांग्रेस से अलग हुए और इसीलिए राष्ट्रवादी नाम दिया अपने पार्टी का, राष्ट्रवादी, क्यों? वो विदेशी मूल का विरोध कर रहे थे। आज उनके साथ हैं कि नहीं, ये कौन सी नई बात है? आज आदरणीय सुशील मोदी और नंद किशोर यादव आज हमको अपशब्द कह रहे हैं, सारी बातें कह रहे हैं, कल तक हमारी तारीफ में थे कि नहीं? ये तो होता ही है राजनीति में, कौन सी नई बात आप साफ कर दिया, ये तो राजनीति में होता ही है। भले ही आप समाजवाद के अकेले, जो जैसे कहा जा सकता है, कस्टोडियन थे, और आपसे भी, आप भी जाके कांग्रेस के साथ, जिसके खिलाफ खड़े हुए थे, उसके साथ चले गए। वक्त बहुत कम है, बिल्कुल एक एक शॉर्ट कमेंट लेना चाहूंगी सुधांशु जी, एक लाइन में प्लीज। इनके जो मसीहा थे लोहिया जी, उन्होंने एक बार कहा था, कांग्रेस को हराने के लिए शैतान का भी हाथ पकड़ना पड़े तो पकड़ लेना, लेकिन कांग्रेस को हराना है इस देश के अंदर। ठीक है, ये समाजवादियों की सोच से सारा समाजवाद उठा था, फिर इनकी सोच बनी सुधरो या टूटो। वो असल में क्या था? अब आप कह रहे हैं कि शैतान बीजेपी थी जिसका साथ अभी तक दे रहे हैं। मानसिकता से ग्रस्त है, टूटो और मिटो। अच्छा, एक जमाना था कि राजनीति प्रसाद जी, आपके पास बहुत वक्त बहुत कम है, राजनीति प्रसाद जी आपसे ये जानना चाहूंगी, ये जो नया समीकरण बना है, और अगर मोदी अब जाते हैं बिहार में चुनाव प्रचार करने के लिए, तो आप जाहिर तौर पर जेडीयू के तो साथ ही नजर आएंगे ना, क्योंकि वो तो एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी हो गई है अब, बहुत संक्षेप में। अब देखिए ऐसी बात है, हमको बोलने दीजिए। देखिए, ये जो सामयिक घटना जो घटी है, उससे भविष्य में कोई अंदाजा नहीं लगा सकती है, कोई अंदाजा नहीं लगेगा। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस उसके साथ हो गया, सो बात नहीं है। आने वाले समय में सब जल्दी पर्दा हटने वाला है, कांग्रेस के सामने भी पर्दा खुलेगा, संभावनाएं खुली है जेडीयू के बिगर रोल के लिए आपके साथ। बस एक लाइन में, माफ कीजिएगा, वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका है। देखिए, आज की तारीख में हमने जेडीयू को सपोर्ट दिया है जी, और उसकी वजह बता चुके हैं जी। फ्यूचर में क्या होगा, इसका फैसला वक्त आने पर किया जाएगा। लालू प्रसाद यादव हमारे दोस्त हैं, उन्होंने हमारा साथ दिया है और हम उनकी बहुत कदर करते हैं, इतना मैं जरूर कहूंगा। चलिए, लालू जी को तो कम से कम संदेश दे दिया है कांग्रेस ने, भले ही नए दोस्त बना लिए हो, लेकिन पुराने दोस्तों को भी आश्वासन यहां पर मीम अफजल जी देते हुए नजर आए। आप सभी लोग इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त इतना ही था हमारे पास बड़ी बहस में, वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला जारी है।